अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 16, और बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आप लोग सीखेंगे। हमने चैप्टर 15 के अंदर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बारे में पढ़ा था, और इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इसमें से किस तरह से फ्लो करता है। उसके लिए आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल के रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलते हैं, पहले अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर एक कॉइल पर कंसिस्ट करता है, और इस कॉइल को हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और फिर इस कॉइल को मैकेनिकली मूव करवाया जाता है। जब इस कॉइल को मैकेनिकली मूव करवाया जाता है तो कॉइल के साथ लगे हुए जो स्लिप रिंग्स होती हैं, वो स्लिप रिंग्स जो है वो कार्बन ब्रशेस के साथ स्लिप करते हैं, और कॉइल की रोटेशन से इस कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो इंड्यूस ईएमएफ उसकी वजह से करंट फ्लो करता है, और करंट मुसलसल अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता है और डायरेक्शन चेंज करता है। ओके, तो यहां पर हम इससे हमें जो करंट जनरेट हुआ था उसकी हमने वेव फॉर्म बनाई थी टाइम और करंट के अलोंग, और वो हमारे पास कुछ इस किस्म की वेव फॉर्म बनी थी जिसे हमने कहा था अल्टरनेटिंग, जिसे हमने कहा था साइनोसाइडल। साइन वेव हमारे पास बनी थी पिछले चैप्टर में जब हमने एसी जनरेटर पढ़ा था। डियर स्टूडेंट, अब अल्टरनेटिंग करंट ये कौन सा करंट है, इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, करंट करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड, विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली। तो ये ऐसा करंट है अल्टरनेटिंग करंट जो अपना मैग्नीट्यूड मुसलसल चेंज करता है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता, इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि ये इक्वल इंटरवल्स में पीरियोडिकली इक्वल इंटरवल्स के अंदर अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद ये स्टूडेंट, अल्टरनेटिंग करंट के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से ये अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता है, किस तरह से ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। उसके लिए हमें जरूरत है एक वेव फॉर्म की, और हमने ये एक वेव फॉर्म रिप्रेजेंट कर दी। ये आपके पास आ गई वेव जिसका टाइम पीरियड आपके पास टी है, यहां पर आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा 3T/4, इधर आपके पास टाइम आ जाता है टी, इधर आपके पास आ जाता है T/4, और यहां पर टाइम आ जाता है 0। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पर इसके डिफरेंट इंस्टेंट जो है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, किस इंस्टेंट पर आपके पास टी की वैल्यू क्या है। अब हमने अल्टरनेटिंग करंट को देखना है विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंट, किस इंस्टेंट पर करंट की क्या वैल्यू होगी। इसके लिए डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर 15 में आपने जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो रिलेशन ड्राइव किया था, उसी रिलेशन को हम यहां पे राइट करते हैं। देखिए, आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, और ये जो थीटा है इसको आपने लिखा था ओमेगा टी। तो आप लिखते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा जो है ये 2π/T के बराबर है। तो इस हिसाब से V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 2π/T इंटू टी, ये रिलेशन आ गया। और अगर आप करंट की बात करते हैं तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ 2π/T इंटू स्मॉल टी।
तो करंट और वोल्टेज दोनों का अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट दोनों की आपके पास रिलेशंस आ गए। अब हमने टी जो आपके पास ये स्मॉल टी है इसकी डिफरेंट पॉइंट पर इसकी डिफरेंट इंस्टेंट्स इसमें पुट करते जाना है और वोल्टेज और करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते जाना है। जैसे पहले हम बात करते हैं एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब अभी हमारे पास टी इज इक्वल टू जीरो जनरेटर की जो क्वाइल है जस्ट स्टार्ट अभी स्टार्ट होने ही वाली है, जनरेटर की क्वाइल अभी मूव होने ही वाली है, जब आपके पास टी जीरो है तो उस केस में वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ टू पाई बाई टी इंटू टी की बजाय आप जीरो पुट कर दें, इस टी की बजाय जीरो आ गया तो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा और साइन जीरो हमारे पास जीरो होगा। इसी तरह से जो करंट जो वोल्टेज की वैल्यू है वही आपके पास करंट की वैल्यू होगी, तो पॉइंट टी इज इक्वल टू जीरो पर आपके पास वोल्टेज और करंट जीरो होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट अगले इंटरवल की तरफ आते हैं, ये था एट पॉइंट, अब बी पार्ट बी पे चलते हैं, इस पॉइंट पे चलते हैं, ये आपके पास ए था ये पॉइंट आपके पास आ गया बी, तो यहां पर आपके पास इंस्टेंट है वो है टी बाय फोर, इंस्टेंट क्या है हमारे पास टी बाय फोर, देन वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ टू पाई बाय टी इंटू टी बाय फोर, तो टी बाय फोर यहां पर हम लिख देंगे तो टी से टी कैंसिल हो गया, ये आपके पास टू आ जाएगा तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू जो है ये 90 के बराबर होता है और साइन 90 वन के बराबर, तो आपके पास वोल्टेज जो है वो क्या आ गया v नॉट और करंट आ गया आपके पास i नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ एट t इज इक्वल टू t बाय फोर वोल्टेज एंड करंट इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज और करंट क्या होंगे अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होंगे। इसी तरह से अब इस पॉइंट सी की बात करते हैं, तो सी पॉइंट पर आपके पास जो इंस्टेंट है टी वो है आपके पास टी के बराबर टी बाय टू, इधर टी बाय टू आएगा ठीक है, आपके पास सी किसके बराबर है टी बाय टू के, तो यही रिलेशन v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाय t इनटू t बाय 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया t से t कैंसिल हो गया और v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ पाई बच गया और पाई जो है ये 180 के बराबर होता है और साइन 180 जीरो के बराबर होता है जिससे v भी जीरो और i भी जीरो, तो वोल्टेज और करंट इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है जीरो है। अब हम आते हैं अगले इंस्टेंट पर एट थ्री टी बाय फोर, अगले इंस्टेंट पर आते हैं, नेक्स्ट जो आपके पास इंस्टेंट है एट ये ए बी सी, अब हम आते हैं डी पर, इस पॉइंट डी पर आ जाते हैं, तो डी पर आपके पास जो इंस्टेंट है टी वो है थ्री टी बाय फोर, तो वोल्टेज v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाय t इनटू 3 t बाय 4, t से t कैंसिल हो गया इधर से ये 2 आ गया, आपके पास v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ क्या बचा 3 पाई बाय 2, अब ये जो आपके पास साइन 3 पाई बाय 2 है ये बराबर है 270 के, तो 270 आपके पास साइन 270 माइनस 1 के बराबर है तो v इज इक्वल टू माइनस v नॉट एंड i इज इक्वल टू माइनस i नॉट, तो इस पर इस पॉइंट पर आपके पास करंट की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, ये जो माइनस का साइन है ये इसकी डायरेक्शन के बारे में हमें रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद लास्ट जो आपके पास ये पॉइंट है ई, तो ई पर आपके पास क्या है टी इज इक्वल टू टी, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाय टी इनटू टी,
into t. इस t से ये t cancel हो गया, then v is equal to v naught sine of 2 pi. Sine 2 pi ये 360 के बराबर होगा और sine 360 जो है ये 0 के बराबर है, इसीलिए v भी आपके पास 0 हो गया और i भी आपके पास 0 हो गया. तो हमने देखा कि शुरू में हमारे पास करंट भी 0 था, वोल्टेज भी 0 था, फिर करंट भी मैक्सिमम, वोल्टेज भी मैक्सिमम, फिर हमारे पास वोल्टेज और करंट 0 हो गया, फिर वोल्टेज और करंट मैक्सिमम हो गया लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और फिर हमारे पास 0 हो गया. तो हमने देखा कि किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है और किस तरह से पीरियडिकली ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है. ओके बच्चों, इसके बाद हम इसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं. तो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड होगा, वन वेव का जो टाइम पीरियड है वो इसका टाइम पीरियड कहलाएगा और नंबर ऑफ वेव्स इन वन सेकेंड ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ एसी, टाइम पीरियड ऑफ एसी, तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी बनती है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल या फिर वन, अगर आप उस एसी जनरेटर की बात करते हैं, एसी जनरेटर की, तो फिर वन ऑसिलेशन जनरेटर की, वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, वन साइकिल का टाइम पीरियड, वन वेव का टाइम पीरियड जो होगा ये आपके पास इसका टाइम पीरियड कहलाएगा. इसी तरह से अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी में टाइम की लिमिट होती है, तो नंबर ऑफ साइकल्स या फिर नंबर ऑफ वेव्स या फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस ये सारे इसी की डेफिनेशन में आ सकती हैं. सो नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीट इन वन सेकेंड. एक सेकेंड में अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का जो नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस जो एक सेकेंड में वो कंप्लीट करेगा वो क्या कहलाएगा, वो एसी की फ्रीक्वेंसी होगी. फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान इनवर्स रिलेशन है हमारे पास और आमतौर पर पाकिस्तान में जो एसी की फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है वो हमारे पास है 50 हर्ट्ज. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यूज्ड इन पाकिस्तान दैट इज 50 हर्ट्ज. इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज. अब बच्चों इसके बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करते हैं. इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू. अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपके पास क्या होती है, ये बच्चों आपके पास वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट दैट एग्जिस्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू. रिलेशन हमने लिखा था वोल्टेज का, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का, v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई बाय t इनटू स्मॉल t. तो वेवफॉर्म भी हमने डिस्कस की, हमने वेवफॉर्म को डिस्कस किया कि आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज v नॉट और मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज जो है वो क्या है, माइनस v नॉट. इसका मतलब ये हुआ कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो पॉजिटिव v नॉट और नेगेटिव v नॉट के दरमियान होगी. और हमने स्टार्ट में जो अभी पढ़ा, डिफरेंट इंस्टेंट की वैल्यूज पुट करके हमने देखा है, या उसकी वैल्यू जीरो होती है, या उसकी वैल्यू पॉजिटिव वी नॉट आती है, या उसकी वैल्यू माइनस वी नॉट आती है. तो माइनस वी नॉट से पॉजिटिव वी नॉट के दरमियान ही इंस्टेंटेनियस वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. अब अच्छा, इसमें हमने जो रिलेशन ये पढ़ा है वी नॉट साइन ऑफ टू पाई बाय टी, यहां इस टी की वैल्यू पुट करते जाएंगे, कोई भी आपको इंस्टेंट दिया जाता है उस इंस्टेंट की वैल्यू
आप इंस्टेंट की वैल्यू पुट करके आप वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस या करंट की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ये था इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब हम आते हैं पीक वैल्यू की तरफ। पीक वैल्यू वैसे ही इसके नाम से भी जाहिर है, पीक का मतलब होता है मैक्सिमम, तो पीक वैल्यू आपके पास क्या होगा, पीक वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू, इसकी डेफिनेशन आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट फॉर अ साइकिल। तो एक साइकिल के अंदर जो वोल्टेज और करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, पीक वैल्यू कहलाती है। जैसे अगर आपके पास ये वोल्टेज और टाइम के दरमियान वेवफॉर्म है तो ये आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज वी नॉट, ये इसकी क्या है, पीक वैल्यू है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू। इसमें बच्चों ये जो आपके पास वैल्यू है, ये वी नॉट जो है ये आपके पास पॉजिटिव पीक वैल्यू है, इसी तरह से ये जो आपके पास है ये आपके पास नेगेटिव पीक वैल्यू है। तो पीक वैल्यूज आपके पास दो हैं, ये भी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो इन दोनों में डायरेक्शन डिफरेंट है, बाकी ये पॉजिटिव पीक वैल्यू है, ये आपके पास नेगेटिव पीक वैल्यू है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला छोटा सा और टॉपिक है हमारे पास और वो है पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू, अब बच्चों इसका ये भी नाम से जाहिर हो रहा है, इसको पीपी वैल्यू भी कहा जाता है। पीक टू पीक वैल्यू को पीपी वैल्यू भी कहा जाता है और इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है, सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू, नेगेटिव पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट फॉर अ साइकिल। तो एक साइकिल के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव पीक वैल्यू की जो सम है, जैसे ये आपके पास वेवफॉर्म आ गया, ये आपके पास पॉजिटिव पीक वी नॉट और ये आपके पास नेगेटिव पीक वैल्यू जिसे हमने माइनस वी नॉट से रिप्रेजेंट किया, तो इनका सम आपके पास वी नॉट प्लस वी नॉट दैट इज इक्वल टू टू वी नॉट। मैंने पहले बताया था कि माइनस का जो साइन है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके पास इसी तरह से करंट आई नॉट, नेगेटिव के लिए भी आई नॉट होगा तो टू आई नॉट। तो पीक टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये टू वी नॉट है, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ करंट ये टू आई नॉट है। तो आपके पास बच्चों पीक वैल्यू क्या था, सम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ साइकिल, जबकि पीक टू पीक वैल्यू है सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज का जो पीक वैल्यू है उसको आप सम करेंगे तो आपके पास पीक टू पीक वैल्यू आ जाएगी। पीक वैल्यू वोल्टेज और करंट की आपके पास वी नॉट और आई नॉट है, जबकि पीक टू पीक वैल्यू आपके पास वोल्टेज की टू वी नॉट और करंट की टू आई नॉट है। इंशाल्लाह इसके बाद हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बाद फेज और फेज लैग, फेज लीड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।